दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से ट्रेनर, मोटिवेटर, ऑथर। दोस्तों आजकल तो बहुत ही फ्री टाइम है, सभी को अच्छा टाइम मिला है, तो बहुत सारे मैसेज आते हैं। अभी रिसेंटली एक अच्छा मैसेज आया था कि बिल गेट्स के 14 पॉइंट्स, ऐसे बिल गेट्स ने ये COVID-19 से या तो कोरोना से, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें से बिल गेट्स ने क्या निकाला है। तो ये 14 पॉइंट मुझे अच्छे लगे, तो मुझे लगा चलो आप लोगों के साथ में शेयर करूं, कि शायद पॉसिबल है कि सभी के पास ना पहुंचे हो। तो दोस्तों सबसे पहले जो आज 14 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिल गेट्स ने क्या सोचा है ये कोरोना वायरस के ऊपर में, क्या उनके दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स आए। तो बने रहिएगा एंड तक, 14 पॉइंट जरूर सुनिएगा और कुछ अच्छी बातें आपको यहाँ से जानकारी रूप में जरूर मिलेगी। दोस्तों कुछ मेरे भी मुद्दे यहाँ पर मैं आपके बीच में रखूंगा, तो बने रहिएगा। तो दोस्तों बिल गेट्स ने सबसे पहले कहा है कि पहला मुद्दा यह है कि ये कोरोना वायरस ने हमें एक चीज समझा दिया कि वी ऑल आर इक्वल, भले कल्चर अलग हो, रिलीजन अलग हो, धर्म अलग हो, इलाका अलग हो, लेकिन हम सब लोग एक है। क्यों ना हम पैसे वाले हो, गरीब हो, हम कैसे भी है, लेकिन वी ऑल आर इक्वल, हम सभी लोग इक्वल है। ये हमको एक समझ में आ गया, एक इशारा दे दिया भगवान ने। शायद हो सकता है कि ये सब समझाने के लिए ही भगवान ने ये सारा चीज निकाला हो, ये वायरस निकला हो, राइट। तो पहला मुद्दा ये आता है। दूसरा मुद्दा उन्होंने ये कहा है कि हमने जो ये जो सरहदें बना के रखी है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, फलाना फलाना, जो भी सरहदें हमने बना के रखी है, सभी के सभी सरहदें फेल है, सभी की सभी सरहदें खोखली है, इस सरहदों का कुछ नहीं आता, कोई देश बचा नहीं है, सारी की सारी दुनिया ये कोरोना के लपेटे के अंदर में है। इसका मतलब क्या है कि सरहदों का कोई मतलब नहीं बनता, बहुत बहुत ऊंची बात कही है उन्होंने। तीसरी चीज उन्होंने कहा है कि हेल्थ इज प्रेशियस, ये चीज हमको समझ में आई कि कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सेहत, कितनी इम्पोर्टेंट है जिंदगियां, कितनी इम्पोर्टेंट है, और आज एक एक जिंदगी को बचाने के लिए किस तरह का, जो हर जगह पे लॉकडाउन किया है, लॉकआउट किया है, सब कुछ जो कुछ बंद हो गया है, आप सबको नजर में आ रहा है कि हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी के ऊपर में हेल्थ आती है। आज मोदी जी ने भी उनके भाषण के अंदर में कहा था कि जितने भी स्टेट के सारे चीफ मिनिस्टरों को मैंने कहा है कि सारे एजेंडा साइड पे रखना, अब सिर्फ एक ही एजेंडा चलेगा और वो है सिर्फ हेल्थ के विषय में हम लोग सोचेंगे। आज आप हम सब कुछ इस विषय में सोचने के लिए मजबूर हो गए। तो तीसरा मुद्दा था कि हेल्थ प्रीशियस है, ये चीज हमें समझ में आई। चौथा मुद्दा उन्होंने कहा है कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट, बहुत ही कम समय भगवान ने हमको दिया है, बहुत ही कम समय हमको भगवान ने दिया है, खुल के जी लो, अच्छी तरह से जी लो। जिसके पीछे हम दौड़े थे, भागे थे, जो कुछ दिन रात कर रहे थे, मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों में जो हम लोग रिलैक्स ले रहे हैं, फैमिली के साथ है, बच्चों के साथ है, परिवार के साथ है, एकजुट हुए हैं, क्रेडिट गोज टू, कहीं ना कहीं गलत लगता है कहना, लेकिन क्या कह सकते हैं कि ये COVID-19 कहीं ना कहीं निमित्त बन चुका है इस चीज का, इससे हमें ये सारी चीजें पता चल रही है। पांचवा मुद्दा उन्होंने कहा है कि ये मटेरियलिस्टिक सोसाइटी बन गई थी, धीरे धीरे करके इतनी मटेरियलिस्टिक बन गई थी, पैसे के दौड़ में सब लगे हुए थे, पैसा, बिजनेस, एम, टारगेट, फलाना फलाना, कहीं रुकना जरूरी था, कहीं संभलना जरूरी था, और वो संभलने का टाइम भगवान ने आपको और हमको दिया है। छठे मुद्दे में उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली हमको समझ में आया और इम्पोर्टेंस ऑफ घर क्या है ये भी हमको समझ में आया। सातवें मुद्दे में वो कहते हैं कि सच्चा काम जो है वो जो हम कर रहे थे वो नहीं है, लेकिन सच्चा काम जो है वो एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के लिए कुछ करना, ये सच्चा कार्य है। और इसके लिए हमने सभी ने 22 तारीख को शाम को 5 बजे जिस हिसाब से ताली थाली जो हाथ में मिला, शंख जो मिला वो हमने बजाया, किनके लिए बजाया, तो जिन लोगों ने आज अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जान के लिए जो घर से बाहर निकल रहे, उन लोगों के लिए हमने एक बहुत अच्छा, एक एप्रिसिएशन बोल सकते हैं, या तो बहुत अच्छा हमने उनको एक
अच्छी तरह से हमने उनको सराहा। सातवां बात जो अपना चल रहा था कि सच्चा काम हमारा वो नहीं है जो हम कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे का ख्याल रखना ये हमारा सच्चा काम है। आठवां पॉइंट उन्होंने कहा कि हमारा जो भी ईगो है सब साइड पे रखिए, क्योंकि आप कितने बड़े हो, आप कितने ग्रेट हो, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, आप सभी लोग न्यूज देख रहे हैं कि कोरोना वायरस ब्रिटेन के महल के अंदर में पहुंच गया है। आज सोचिए कि कितनी टाइट सिक्योरिटी होती है, कोई इंसान वहां झांक नहीं सकता, देख नहीं सकता। हम जब लंदन गए थे 2013 में, तो उस समय मुझे याद है कि जब हम ब्रिटेन के महल में, हम लोग बाहर से वहां पर अंदर जो परेड चल रही थी, वो परेड देखने के लिए बाहर जो लोग खड़े थे, नजदीक भी हम लोग जा नहीं सकते थे। लेकिन ऐसे महल के अंदर में कोरोना वायरस घुस गया, किसको पता भी नहीं चला। सो अपना जो भी ईगो है वो भूल जाओ, हम कुछ भी नहीं है ये सृष्टि के सामने, प्रकृति के सामने, वो चीज हमको समझ में आ गया। नौवा पॉइंट है कि सबसे ज्यादा हमने एक दूसरे का कॉपरेशन करना चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए, केयरिंग करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार लोगों को देना चाहिए। ये चीज कहीं ना कहीं इन दिनों के अंदर में लोगों को, दुनिया को समझ में आई। दसवीं चीज जो उन्होंने बताई है कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, जितना हो सके उतना पेशेंस रखो, ज्यादा पैनिक मत हो, घर में ज्यादा रहो। और घर में रहने से क्या होता है कि आदमी थोड़ा पेशेंस खो बैठता है, लेकिन ये हमें सिखाता है। इसी तरह से यही सारी मैसेज अपने को अपने बिजनेस के अंदर में भी सीखने पड़ेंगे कि हमको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा अगर सक्सेस के ऊपर में हमको पहुंचना है तो, और किसी भी परिस्थिति से पैनिक होने का कोई मतलब नहीं है। ग्यारहवां मुद्दा उन्होंने जो डिस्कस किया था कि दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ बट दिस इज न्यू बिगिनिंग, शायद हो सकता है एक नई शुरुआत होने जा रही है। दोस्तों सोच के देखिए कि इन 2 महीने के अंदर में या 1.5 महीने के अंदर में या अपने इंडिया के 21 दिन के अंदर में सारे कारखाने शांत है, सारे मशीनें शांत है, सब घर पे बैठे हुए हैं, सारी गाड़ियां जो रोड के ऊपर में जाम लगा हुआ होता था, आप सोचिए कि कितना डस्ट, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी गंदगी जो हम लोग फैलाते थे। आजकल तो आप देख रहे हैं कि वहां पे इटली के अंदर में बहुत सारे लोगों ने फोटो भेजे कि वहां पे वेनिस में जो पानी था वो तो पूरा शहर पानी में, आप सबको मालूम है। तो पानी में आज तक बोले हमें कभी मछलियां दिखाई नहीं दी, लेकिन अब हमें मछलियां दिखाई देने लगी है। हो सकता है कि दुनिया नई बनने जा रही है, एक नई दुनिया की शुरुआत हो रही है, एक गंदगी हट गई है, और एक अच्छी सी, शायद हो सकता है कि कोरोना ने हमें अगले और 200 500 हजार साल अपने को जीने के लिए और दे दिया। हमने जो बहुत आगे रेस में हम लोग निकल गए थे, तो वहां से हम लोग थोड़े बैक होके घर पे बैठ के एंजॉय भी कर रहे हैं, और साथ साथ में थोड़ा स्लो डाउन करके हमने ये गंदगी को रोका है। आप सोचो कि ये जो चीजें अभी चल रही है उससे सबसे बड़ा, मैं तो ये समझता हूँ, आपको थोड़ा हैरानी वाली बात लगेगी, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जितने लोग कोरोना से मरे हैं शायद उतने लोग कोरोना की वजह से बचे भी होंगे, लेकिन उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। कैसे कई ऐसी बीमारियां होती होंगी जो हम हाथ धोने से बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार हम अपने बॉडी की सफाई कर रहे हैं, बार बार हम थोड़ी थोड़ी चीजों की केयर कर रहे हैं, खाने पीने में संभाल रहे हैं, बाहर का खाना हम लोग अभी नहीं खा रहे, ये सब चीजों की वजह से आज कई बीमारियां जो हमें भविष्य में होने वाली थी वो बीमारियां ये कोविड 19 की वजह से बच गई है, ये शायद बिल गेट्स कहना चाहते हैं। और जो लोग भी पॉजिटिव आदमी होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। 12वां पॉइंट था कि ये अर्थ सीक है, ये बीमार है, बीमार हुई है, तो बीमार जब कोई भी व्यक्ति होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा स्लो डाउन उसको करना पड़ता है, उसको उसकी काम की एक्टिविटी कम करनी पड़ती है, घर पे आराम करना पड़ता है, दवाइयां लेनी पड़ती है, रेस्ट उसको ज्यादा लेना पड़ता है। तो ये अर्थ अभी सीख हुआ है तो उसको ठीक अपने को करना पड़ेगा। 13वां पॉइंट उन्होंने कहा है, दिस इज जस्ट अ फेज, एक फेज है, इससे डरने जैसी कोई बात नहीं है, और ये भी पास हो जाएगा। अरे अच्छे अच्छे मंजर देखे हैं हम लोगों ने, सो ये भी मंजर गुजर जाएगा, लोग कहते हैं ना वैसे। और लास्ट 14वां पॉइंट उन्होंने कहा कि कोविड 19 जो वायरस है
इट इज नॉट अ ग्रेट डिजास्टर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है कि COVID-19 वायरस इज नॉट अ ग्रेट डिजास्टर बट इट इज अ ग्रेट करेक्शन। एक बहुत सुंदर करेक्शन है, इससे हमें बहुत सी चीजें जो सिखाई है COVID-19 ने, ये हमें सीखनी है और ये सीख के अपने लाइफ के अंदर में हमें उतारनी है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा और नोट करके आप अपने लाइफ में झांक के देखिएगा तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है मालूम है, कि ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं, ये भी बातें सोचने के लिए हमको एक समय चाहिए। हम सभी को एक अच्छा टाइम मिला है, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट, एक एसेंशियल पार्ट होता है, लेकिन हम अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि ऐसे कुछ सोचने का हमें मौका नहीं मिलता था। तो वो मौका आज भगवान हमको दे रहा है, आज हमको ये COVID-19 हमको दे रहा है। देखो मुझे पता नहीं है, ये जो भी 14 पॉइंट मैंने बताए वो बिल गेट्स ने कहे हैं या किसी ने अपने दिमाग से लिख के भेजे, लेकिन मुझे अच्छे लगे तो मुझे लगा आप लोगों के बीच में शेयर करूं, इसके लिए मैंने आपको शेयर यहां पर किया है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट अच्छी अच्छी कमेंट जरूर कीजिए जो हमें प्रोत्साहित करती है, हमें कुछ नई बातें लाने के लिए हमेशा उत्तेजना देती है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉरवर्ड भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अब तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन वहां पर जरूर दबाइए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।